नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हटेला न्यूज। आज हम ग्रामीणों से राय लेने ग्रामीण क्षेत्र में निकले, क्योंकि पंचायती राज का चुनाव होने वाला है। वोटर में काफी उत्साहित है, लोग जानना चाह रहे हैं कि स्थानीय स्तर की सरकार बनने से आम जनताओं की कितनी प्रॉफिट होती है। इसी क्रम में हम ग्रामीण क्षेत्रों के रुख किए और आम जनताओं से स्थानीय स्तर की सरकारों में बारे में पूछे। इसी क्रम में एक व्यक्ति से हमने मिला, उनसे जाने कि स्थानीय स्तर की सरकार बनने से आम जनों को कितनी प्रॉफिट हो रही है। दादा राव कर हटेला न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है हटेला न्यूज को, हम भी हमारे पर से स्वागत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जे हमके मौका देना जो बात बोले। दादा हम पूछे चाहेगा कि जब से पंचायती चुनाव लगभग 10 साल हो गया और इस बार भी चुनाव हो वाला रहे, लेकिन कई बार डेट जारी होला फिर बंद होला, इकर में काफी जे वोटर भी हैं और जे प्रत्याशी भी हैं वो भी काफी उत्साहित रहे, लेकिन आखिरकार झारखंड का जो चुनाव आयोग है उन्होंने इस बात का जारी कर लग कि स्थानीय स्तर का सरकार बने चाहिए। और जब स्थानीय स्तर का सरकार बनेला तो इकर में आम जनता के का प्रॉफिट होला, थोड़ा सा बताओ इकर बारे में। तो स्थानीय सरकार हमारे हेमंत सोरेन झारखण्ड सरकार अलग मुख्यमंत्री इस जगह काफी आम जनता के बिनपीट होलक, ब्लॉक में चक्कर काटे होत रहे, कहीं भी थाना पुलिस में हर जगह के सुविधा हमके झारखंड सरकार हेमंत में अलग, और जे दलाली होत रहे कुछ कुछ 100% तो नहीं 75% कमी होलक देखे मिललक। और बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिए हम सरकार के, और झारखंड में अपर जो अगला चुनाव हो जाते ये बहुत सुंदर से चुनाव हुई, और जे भी प्रतिनिधि हमारा हुई बहुत हर कौम के हर कास्ट के देख के ही चुनाव के ई अपन फाइट करवाएं और हर कास्ट के हर कौम के इके दर्जा देवे के काम करवाएं। हमारे पर से सब मुखिया प्रत्याशी के बहुत बहुत धन्यवाद, और जे हमारे घर जे हमारे जगह आवल हैं जे थी यूट्यूब चैनल वाला ई के भी हम बहुत धन्यवाद देवे चाहिए। एक मौका देना है मन बोले ने एक जाने के वास्ते, एक झारखंड में आए एक मिसाल है कि आज झारखंड सरकार बैठ के एक आदिवासी एक गरीब गुरुआ के इंदिरा आवास या तो राशन कार्ड इकर लिए दौड़े पड़त रहे, वे तो कम से कम आदिवासी के लिए बहुत ही सुंदर होलक और आसान होलक। इकर लिए हम हेमंत सरकार के भी देवे चाहिए धन्यवाद, केंद्र सरकार के भी हम धन्यवाद देवे चाहिए, और इस बार के चुनाव और मिसाल बन के निकली और एक मुखिया प्रत्याशी बहुत सुंदर काम से काम कर पाए और सब मिलजुल के अच्छा तरीका के झारखंड के आगे बढ़ाए के काम कर पाए। और ये पंचायती स्तर का चुनाव हुआ थे और ये चुनाव में जो मुखिया प्रत्याशी मन है, क्या इकर से जे अगला जे उम्मीदवार मन रहे जे यहाँ कर प्रतिनिधि मन रहे उकर कार्यकाल में बहुत अच्छा काम भी होलक, मतलब पंचायती राज का चुनाव जब से हुआ थे यहाँ पर जब मुखिया मन से बनत है से बेरा से गांव स्तर में कुछ विकास हुए ना का? एकदम विकास तो बिल्कुल दिशा थे, बोले के बात रखे सरकार के जितना भी काम है सबके मुखिया मन लाने के काम कर रहे हैं, गाँव गाँव में सबके दीवार लाए रोड से बिजली से पानी से चपाकान सब के लाने के काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर ही काम कर रहे हैं इस चुनाव में, और इस बार और कर से भी बेहतर कर पाए। हर आदमी के हर कौन के देखते हुए भी मुखिया मैंने हमारा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा का हुआ थे काम, ये तो दिशा थे हमने के सबके अपने मन के भी सब दिशा थे कि भाई क्या काम हुआते नहीं हुआते, जो ब्लॉक में मेला लगल रहते रहे रोज धरना होते रहे वो चीज देखे लिए नहीं मिली, इसलिए इकर से बेहतर और बनाए के कोशिश कर पाए मुखिया मैंने हमके लिए बहुत बड़ा एक सोच है आदिवासी के लिए और हर कौन के देख के चलना है। दादा इस बार जो 1932 का खात्यान के लेकर काफी झारखंड का जो आदमी मन है बहुत रोष में है, का लगे ला कि ये पंचायती चुनाव में उकर कुछ असर दिखी? देखो ये बात रहने बहुत अच्छा सवाल कर ली कि भाई 32 के खात्यान लेके वाक्य में आदिवासी पूरा उज्जवल है, कितना घेराव करत है ये करत है ये चुनाव के। तो हमारे हेमंत सरकार से हमरो बच्चे अपील रही, एक किसान के रहे एक हर जाति के मुद्दा है, कोई जाति मुद्दा नहीं है पर्सनल नहीं है, इके तो दे देना चाहिए। यहाँ जे भी वर्षों से बतल बैठल है वो सब 32 के खतियान सब स्थानीय हो गए, से चलते खतियान के लागू करे के हम भी अपील करब, हमें ग्रामीण क्षेत्र से है और हम भी किसान के छुआ है कि इके अपील करब सरकार से कि हर कौम ले फायदे वाला चीज है। तो आपने देखा कि पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है, एक झारखंडी जब से ये पंचायती राज का बिंगुल बजा है उसके बाद से आम जनताओं की दिलों में खुशी का लहर दौड़ पड़ा है। तो आपने देखा कि हमारे
जो मेहमान है, जो हमारे हॉस्पिटल ये बात कर रहे थे, मेरे सारे सवालों के कितने ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे आपको किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। धन्यवाद।